नमस्कार दोस्तों। ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में जान सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैरव जी ने, जो कि शिव जी के अवतार थे, ने ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक क्यों काटा। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के काल भैरव मंदिर की। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव को जो प्रसाद चढ़ता है वह कुछ और नहीं, मदिरा चढ़ाई जाती है, यानी शराब। और साथ ही यहाँ भक्तों को प्रसाद में शराब ही बांटी जाती है। काशी तीर्थ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, एक से बढ़कर एक मान्यता प्राप्त पौराणिक देवालय हैं। पर इनकी कुल संख्या कितनी है, यह गहन शोध का विषय है। इन सभी के मध्य वाराणसी के काल भैरव मंदिर की अपनी ही विशिष्ट महत्व है, जिसे देश के ख्याति प्राप्त भैरव तीर्थों में प्रथम स्थान पर गिना जाता है। काशी तीर्थ के भैरवनाथ मोहल्ले में विराजमान काल भैरव को काशी तीर्थ का क्षेत्रपाल कहा जाता है और काशी के कोतवाल के नाम से इनकी प्रसिद्धि संपूर्ण जम्बूद्वीप में है। यहाँ स्थल मार्ग यानी काशी विश्वनाथ से आगे वह जल मार्ग गंगा जी से नाव होकर भी आना जाना सहज है। क्या है कहानी, क्यों काटना पड़ा ब्रह्मा जी का सर? एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान कौन है। सभी देवताओं ने एक सुर में कहा कि इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली और सबसे पूजनीय भगवान भोलेनाथ है। यह बात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को पसंद नहीं आई। उन्होंने भगवान शंकर जी और उनके गणों की वेशभूषा देखकर भगवान शिव को अपमानजनक वचन कह दिए। अपने इस अपमान पर शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पांचों मुख से शिव जी के लगातार बुराई करते रहे। उस पांचों शीश ने कहा कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं और जिनके पास रहने का ठिकाना और कोई धन धान्य नहीं है, कोई वैभव नहीं है, वह कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। इन अपमानजनक वचनों को सुनकर सभी देवी देवता और वेदों को बहुत दुख हुआ। उसी समय भगवान शंकर और पार्वती के तेज से एक तेज पुंज प्रकट हुआ और जोर जोर से रुदन करने लगा। महाकाल से उग्र रूप में, बालक रूप में जो भैरव प्रकट हुए, वह ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शंकर को कटु वचन कहने के कारण क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का ही संहार करने लगे। यह देखकर स्वयं भगवान शिव और देवताओं ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पांच मुख थे तथा ब्रह्मा जी पांचवें मुख से पांचवें वेद की रचना करने जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था। उनके इस अहंकार को नष्ट करने के लिए भैरवनाथ ने उनका संहार तो नहीं किया, लेकिन अपने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दिया। कहीं जगह ये भी मिलता है कि भैरव जी ने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर त्रिशूल से काट दिया था। ऐसे कहीं कहीं यह भी चर्चा है कि भैरव ने अपने बाएँ हाथ के नाखून से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर नोच लिया। इसके बाद वह कपाल इन्हीं के हाथों से सटा रहा और प्रभु भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ मुख काल भैरव के हाथ से चिपक गया। तब भगवान शिव ने भैरव से कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोगों का भ्रमण करना होगा। जिस जगह यह मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोगों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिव जी की प्रेरणा से कन्या प्रकट हुई। यह कन्या कोई और नहीं, ब्रह्म हत्या थी। इसे शिव जी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोगों की यात्रा कर रहे थे और कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। सभी लोगों और तीर्थ उपतीर्थों में भ्रमण करते हुए जब भैरव बैकुंठ लोक पहुंचे तो उन्हें भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान तीन लोगों से न्यारी काशीपुरी जाने का परामर्श दिया। इसके बाद भैरव काशी तीर्थ आ गए। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। तब शिव जी ने काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त किया और वहीं पर रहकर तप करने का आदेश दिया। शिव जी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश मना था। काशी को शिव जी की नगरी माना जाता है, जहाँ वह बाबा विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। काशी में इनके हाथ से जहां वह कपाल विमुक्त हुआ, वह तीर्थ कपाल मोचन के नाम से विख्यात हुआ। विवरण है कि काल भैरव के दर्शन व आराधना के बिना
काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना व काशीवास पूर्ण सफल नहीं होती है। ऐसी स्थिति में साधक अधोगति को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में बाबा भैरवनाथ का मंदिर कब और किसने बनाया यह स्पष्ट नहीं होता है, पर अकबर के शासनकाल में संपूर्ण काशी क्षेत्र में राजा मानसिंह ने 125,000 देवालयों का निर्माण या तो कराया या उनका नवीनीकरण कराया। उसी में इस देवालय की गणना भी की जाती है। विवरण है कि 1825 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने स्वयं निर्देशित कर काशी के कोतवाल काल भैरव जी के देवालय का नव श्रृंगार कराया था। आज़ादी के बाद इस मंदिर की व्यवस्था व मार्ग में और भी सुधार किए गए। काल भैरव मंदिर के प्रथम दर्शन से ही इसकी प्राचीनता का अनुभव मिलता है। यहाँ गर्भगृह में काल भैरव की आकर्षक विग्रह देखी जा सकती है जो चांदी से मढ़ी है और भक्त वात्सल्य भाव से ओतप्रोत है। मंदिर के आगे बड़े महावीर जी व दहिने मंडप में योगेश्वरी देवी का स्थान है। मंदिर के पिछले द्वार के बाहर क्षेत्रपाल भैरव की मूर्ति है। पास में ही दंडपाणि मंदिर, कामरूप, नव ग्रहेश्वर महादेव व थोड़ी दूर पर कालेश्वर महादेव का पुरातन स्थान है। इनके नाम बटुक भैरव, क्रोध भैरव, दंडपाणि, शूलपाणि, भूत भैरव, भीषण भैरव, कपाल भैरव, चंड भैरव, अशितांग भैरव व आनंद भैरव मिलते हैं। ऐसे तो हर एक दिन भक्तों का यहाँ आगमन रहता है, पर प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को होने वाले वार्षिक महापूजन में यहाँ दूर दूर से भक्तों का आगमन रहता है और यहाँ मेला लगता है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।